गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया था कारक के बारे में, तो एक बार फिर से देख लें कि संज्ञा या सर्वनाम के लिए जिस रूप में उनका संबंध क्रिया से किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्हों के बिना वाक्य अधूरे और अर्थहीन होते हैं। कारक चिन्हों को परामर्श व विपत्ति चिन्ह भी कहते हैं। वाक्य में सभी संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया से होता है तथा क्रिया के संज्ञा शब्दों का संबंध कारक व चिन्हों परसर्गों से पता चलता है। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन। इसी प्रकार से अगर हम नीचे देखें तो एक प्रश्न दिया गया, कारक किसे कहते हैं और इसके भेदों के बारे में आपने वर्णन करना। आगे अगर पढ़ें तो हमें इसके अंदर जो पैराग्राफ दिया गया है उसमें नीले नीले शब्द दिखाई पड़ रहे हैं। तो हमने इस पैराग्राफ को पढ़ के इसके अंदर जो नीले शब्द दिए गए हैं उनके बारे में बताना है कि ये कौन से कारक से संबंध रखते हैं। जैसे लोग गीत निबंध के लेखक भगवती शरण उपाध्याय हैं। अब के जो है वो नीला कर दिया गया है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा कारक है, आपने खुद भरना है इसको। उसके बाद क्या चीज़ है, इस निबंध में लेखक ने भारतीय लोकगीतों के संबंध में जानकारी दी, मतलब ये सारे जो ने के में और की है इसको देखकर अपने नीले शब्द नीचे लिखकर उनके बारे में बताना है कि इसके अंदर कारक कौन से हैं। अब अगर आगे चलें तो उचित और सार्थक के लिए हमने किसी भी वाक्य को बनाना है सार्थक जिसका अर्थ निकले, तो उसमें ये शब्द जोड़ देना के लिए। रमन ने उसके लिए खाना लाया, वहाँ पर समय रखा, वह उससे डरने लगा, वह उससे कुछ लेकर आया, साधन बनाते को करण, किसी की सहायता की जाती है उसको बोलते। आगे हमने रिक्त स्थान फिर भरना है। वह मुंह डैश बोलकर रमन बाबा गीत सुनाती है, हमें ये बताना है कि वो किस प्रकार से बोलकर कौन से गीत सुनाती है। इसी प्रकार केशव डैश श्यामा घोंसला नहीं दिखाया था, आपने इसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है कि जो इस वाक्य को जोड़ दें। आगे नीचे आ जाएं तो इसी प्रकार से वाक्य के लिए प्रसर्गों में दिए गए उपयुक्त प्रसर्ग चुनकर भरने हैं। इस विधि से तुम वस्तुएं भी बना सकते हो। जादूगर ने अपने जीवन के कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखाए। मेज पर जुराब पड़ी है, ठीक है जी। इसी प्रकार आपने इनको भरना है।